हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चले एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के 5 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। और डेफिनेटली एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जानकारी आपको एंकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें, आपकी रैंक जो है वो टॉप 100 में आना चाहिए ताकि आपको आपकी पसंद की पोस्ट और पसंद की जगह पोस्टिंग मिल जाए। तो 5 ऐसे बेनिफिट्स, 5 ऐसी सुविधाएं जो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट का हिस्सा बनने पर आपको मिलती है, जो दुनिया का कोई भी काम आपको नहीं दे सकता। मतलब अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करें या कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको ये सुविधाएँ कोई नहीं दे सकता जो गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। तो दोस्तों, एक एक करके हम सारी बेनिफिट देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो से बनाता रहता हूँ, तो जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर आप करियर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये संशय और ये भावना तो होती ही है, हर किसी के मन में होती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हो, वो सिक्योर हो, कम से कम उसमें एक निश्चितता हो कि ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में इंडिया का, लेकिन रिसेंटली भी क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है। वहाँ पर लगभग 25% हर कंपनी ने अपना प्रोडक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस कैसे जॉब जा रही है लोगों की। न सिर्फ वो डीलरशिप बंद हो रही है, जो दुकानें जहाँ आप शोरूम पर आपको मिलती थी गाड़ियाँ वो बंद हो रही है, बल्कि फैक्ट्रीज तक बंद होना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपके मन में एक संशय तो होगा ही कि हम वो करियर चुने, वो काम करें जहाँ पर कम से कम स्टेबिलिटी हो। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी नौकरी के साथ कुछ नहीं होता है, और ये सुविधा दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। सरकारी नौकरी का यही फायदा होता है कि दुनिया में भूचाल आए, भूकंप आए, कुछ भी हो जाए, आपको आपकी जॉब सिक्योर होती है, आपके अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे आपकी जो सैलरी वो बनती चली जाती है, आपको इंक्रीमेंट मिलता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वहाँ पर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में रहती है। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश में शुरू से ही ये भावना रहती है कि गवर्नमेंट जॉब चाहे कितनी कोई सी भी हो, कितनी भी सैलरी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए ताकि आप सिक्योर हो जाओ। वो आज भी वो चीज़ सस्टेन करती है, वो बात आज भी वो वाजिब है, क्योंकि आज भी भले ही चीज़ें बदली हो, टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हुआ हो गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी उतनी की उतनी ही है। मतलब अगर एंटर हो जाते हो, जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, 4 फेज़, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी एक एक चीज़, एक एक कागज़ की जाँच हो जाएगी, उसके बाद जब फाइनली डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से आपको कॉल आएगा और आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर आपके जैसे ही ज्वाइनिंग होती है ना, उसके बाद आप परमानेंट दामाद बन जाते हो। जो कहते हैं ना, सेइंग है कि सरकारी दामाद बनना, लिटरली वही होता है, आप परमानेंट दामाद बन जाते हो गवर्नमेंट के, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता। और जब आप गवर्नमेंट जॉब कर लोगे, जब आप एंटर हो जाओगे एज अ ऑफिसर, तो आप ये चीज़ बहुत सुनने को मिलेगी कि जितना मुश्किल गवर्नमेंट जॉब मिलना होता है, उससे 10 गुना मुश्किल गवर्नमेंट जॉब को छूटना होता है। यानी कि मान लीजिए आप खुद से भी अगर छोड़ना चाहें, आप रेजिग्नेशन देंगे, तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपके ऑफिस की तरफ से, कि कैसे भी करके आप गवर्नमेंट जॉब ना छोड़ें। तो ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा ही हैरान करेगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर आपको नौकरी नहीं करना है तो आपको कोई फोर्स क्यों कर रहा है। बट ये एक्चुअली होता है, गवर्नमेंट जॉब जितनी मुश्किल से मिलती है उससे 10 टाइम मुश्किल से छूटती है। तो भले ही सैलरी उस लेवल की ना हो जितना कि प्राइवेट सेक्टर में होती है, भले ही ग्रोथ उस लेवल की ना हो जितना कि प्राइवेट सेक्टर में होती है, बट यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपकी सिक्योरिटी होती है, लाइफ की सिक्योरिटी होती है। जब तक आप रिटायर ना हो जाएं तब तक कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सबसे अच्छा बेनिफिट है सैलरी ऑन टाइम। मतलब आप अगर कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगले महीने की 5 तारीख के पहले कभी सैलरी नहीं देती है, कोई कंपनी 10 तारीख के पहले नहीं देती है, कोई कंपनी 15 तारीख तक पहुंच जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट आपको जिस महीने में आपने काम किया है उसी महीने के आखिरी वर्किंग डे के दिन आपको आपके अकाउंट में सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। कहा दोस्तों, आखिरी वर्किंग डे, मतलब कि मान लीजिए कि आखिरी आखिरी तारीख जो महीने की 30 तारीख है और उस दिन संडे या सैटरडे आ जाता है, तो आपकी जो सैलरी वो 28 तारीख को ही आ जाएगी।
मतलब आखिरी वर्किंग डे जो भी होगा उस दिन आपकी अकाउंट में सैलरी आ जाती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब इसमें बिल्कुल भी कहीं से डिले नहीं होता है, कुछ भी पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हो सकता है डिले हो जाए, कंपनी को लॉस हो जाए। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी इशू आ सकता है। बिजनेस तो पूरा पूरा रिस्क पर रहता है, आपको 24 घंटे काम करना है और आपके ऊपर डिपेंड करेगा हर चीज़। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप कैसे भी कर रहे हो काम, जो भी चल रहा हो आपका, सैलरी आपके टाइम पर ही आएगी। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि समय पे आपके पैसा आता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जो दुनिया चलती है वो पैसे से ही चलती है। कुछ भी आपको खरीदना है, कोई भी आपकी इच्छाएं पूरी करना है, वो बिना पैसे के आप नहीं कर सकते। तीसरा बेनिफिट दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में होता है एक्सीलेंट पे स्केल। मतलब जैसा हम देख रहे हैं आज के समय में, 7th पे कमीशन आने के बाद से काफ़ी अच्छा पे स्केल है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए इनकम टैक्स में जॉब, इंस्पेक्टर की जॉब ले लें, या उस लेवल की, लेवल 7 की पोस्ट की अगर बात करें हम, तो उसको हम बेस मान के बात करते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 44,900 आपकी बेसिक पे होगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। आपको 44,900 तो आपकी बेसिक पे है। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको DNS अलाउंस भी देती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते चलती है, इसको बोलते हैं DA, DNS अलाउंस। तो ये जो DNS अलाउंस होता है आपका बढ़ता रहता है समय के साथ, और आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी क्या है, लेकिन शायद ऑलमोस्ट 14 से 15% अभी हो चुका है। तो अगर आप 44,900 का 15% निकालें तो 15% हो जाता है 6,735 रुपये। यानी कि मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे तो होगा 44,900, बट उस पर DNS अलाउंस आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 6,735 रुपये ऐड हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपकी 50,000 बेसिक हो जाएगी, ठीक है? तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट आपको देती है। बिकॉज एक कंपनी में, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे। कंपनी को महंगाई से कोई मतलब नहीं है, कंपनी को आपके परफॉर्मेंस से मतलब होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चलती है, गवर्नमेंट आपको DNS अलाउंस सबको एक जैसा बांटती है, तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इंक्रीमेंट मिलता है। पे स्केल में क्या होता है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है आपकी सैलरी में। एक एक जनवरी को 1 बार लगता है, दूसरा 1 जुलाई को लगता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। 3-3% का इंक्रीमेंट होता है, टोटल 6% बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है। तो हर, जैसे आपने 6 महीने पूरे किए तो आपका 1 जनवरी आया तो आपको 3% आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर जैसे ही 1 जुलाई आया और 3% बढ़ जाएगी। तो ये एक स्टैटिक तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से सैलरी बढ़ती है, आपको ये पता नहीं चलेगा। लेकिन 1,000, 2,000, 3,000 जब बढ़ेंगे ना तो इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए कम से कम जो भी हो रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रही है। आपके आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा महंगाई है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसका बर्डन आपके ऊपर नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी सुविधाएं होती है। गवर्नमेंट आपके अकाउंट से CGHS काटती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कुछ 200-250 रुपये जो भी कुछ अमाउंट होता है वो काटा जाता है हर महीने। वो काटते हैं मतलब कि आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर आपको या जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मान लीजिए आपकी आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो कोई भी आपका डिपेंडेंट है वो इंक्लूडिंग यू, कोई भी बीमारी आपको होती, कोई भी इशू आपका हेल्थ इशू होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट CGHS स्कीम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपका इलाज मुफ्त में होता है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है, कहीं भी जाना आना होता है। तो सरकार आपको ऐसा नहीं करेगी आप गवर्नमेंट काम से कहीं जा रहे हो तो अपने खर्चे पर जा रहे हो, हर चीज़ का पाई पाई आपको गवर्नमेंट चुकाती है। इसके अलावा आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, मतलब कि जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ आपकी पोस्टिंग है, तो उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज के, आपकी जो बेसिक पे का परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पैसा मिलता है एज ए हाउस रेंटल अलाउंस। तो ऑल इन ऑल दोस्तों अगर आप सम अप करेंगे ना ये सारी सुविधाओं को, सारी जो आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, और जो महंगाई भत्ता आपकी सैलरी पे ऐड हो रहा है, अगर आप इसको सम अप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें भी तो भी बहुत ही अच्छा होता है इनिशियल लेवल पे। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें, एग्ज़ाम क्लियर करते ही सीधे आप इतने अच्छे पे स्केल पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये तीसरा बेनिफिट हुआ। चौथा बेनिफिट दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में होता है वैकेशन हॉलीडेज़ का। अगर आप हॉलीडेज़ को देखेंगे ध्यान से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल होता है, वहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ होता है हमेशा। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, वर्किंग आवर जो होता है ना गवर्नमेंट में, वर्किंग आवर चलता है हफ्ते के, आपको 40 घंटे काम करना है। मतलब कि आपको हफ्ते में 40 घंटा करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी एक्चुअली यही होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डेली वर्किंग आवर जो होता है, यानी एक दिन में ऑफिस में जो काम करना वो घंटे कम हो जाते हैं, इसलिए सैटरडे छुट्टी नहीं होती है।
बट सेंट्रल गवर्नमेंट में 9:30 से 6 का टाइम होता है ऑफिस टाइम। तो 9:30 बजे आप आओगे और 6 बजे जाओगे, आधा घंटा आपको बीच में लंच का मिलता है जो कि आपके वर्किंग आवर में काउंट नहीं होता है। तो ऐसे में आपका निकलता है 8 घंटा रोज का, और मंडे टू फ्राइडे आपका 40 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको 8 CL मिलती है, 2 RH मिलती है, 30 अर्न लीव मिलती है। इसके अलावा आपको मेडिकल लीव 10 मेडिकल लीव मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों साल भर में जैसे जितने भी त्यौहार होते हैं, जैसे कि जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसका पूरा कैलेंडर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग वो 18 से 20 छुट्टियां वो हो जाती है। तो अगर आप टोटल करने बैठेंगे ना इसको, देखिए टोटल 70 के आसपास छुट्टियां तो गवर्नमेंट आपको दे रही है। इसके अलावा आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, तो 52 वीक साल के मान लें, हम 52 हफ्ते साल के होते हैं, तो उसके माप से सैटरडे संडे देखें तो अगर 105 के आसपास छुट्टियाँ आपकी केवल सैटरडे संडे के हिसाब से हो गई है, तो टोटल छुट्टियाँ पूरे साल की कितनी हो गई आपकी, 175 छुट्टियाँ आउट ऑफ 365, मतलब 365 दिन में से आपको 175 दिन तो छुट्टियाँ मिल गई। अगर आप माइनस करो 365 में से 175 को, तो ये आ गया आपका 190। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप साल में 190 दिन काम कर रहे हो और 175 दिन छुट्टियां मना रहे हो। तो ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप पे स्केल देखेंगे, इस पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर इतने में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करेंगे तो आपका तेल निकाल लिया जाएगा अच्छे से। हालांकि वो सही भी होता है, जो हमारी एज है, हमारे यंग एज है, ये समय सीखने का और काम करने का होता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करना नुकसानदायक नहीं, मैं तो नहीं मानता कि गलत है। आपका दिमाग और आपका शरीर जितना ज़्यादा घिसेगा उतना अच्छा होता है। बट अगर आपकी चॉइस है कि आपको नहीं चाहिए ऐसी भागा दौड़ वाला जीवन, मतलब आपको आसान लाइफ चाहिए, आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए, तो उस माप से बहुत ही अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट 50% आपकी ज़िंदगी की छुट्टियों में निकल रहा है और 50% टाइम में आप काम कर रहे हो, वो सैलरी आपको पूरी मिल रही है। वो कभी भी आप दोस्तों देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी आपको हर त्यौहार पर छुट्टी नहीं देता जितनी यहाँ मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कई सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं मानता है, सिर्फ नेशनल हॉलीडे से आपको छुट्टी मिल जाए तो मिल जाए, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी, या मैक्सिमम दिवाली पे या ईद पे। तो इस मामले में बहुत अच्छा है, वैकेशन और हॉलीडेज़ के मामले में गवर्नमेंट जॉब में बहुत बेनिफिट रहता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट आपको मिलेगा, यू कैन सर्वाइव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विदाउट इम्प्रूविंग योर स्किल्स। मतलब आपके अंदर जो भी स्किल है या स्किल ना भी हो, आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, आपने एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया, बस जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसको फुलफिल करता हूँ, बस बात खत्म। आपको जैसे जॉब मिल गई वहाँ पर आपकी जवाबदारी खत्म हो गई है, अब आप गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो, गवर्नमेंट आपको काम करवाए, गवर्नमेंट आपको सिखाए। तो यहाँ पर ना एक चीज़ जो मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और अब कोई भी जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है ना वो आपको बता देगा कि यहाँ पर क्यों हम हमारे देश में क्यों गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, या गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्यों कम है। बिकॉज मान लीजिए कि आप एज एन ऑफिसर गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में लग जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जॉब लग जाती है एज एन ऑफिसर, और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने काम के प्रति आप बहुत ही सजग हैं, लेकिन आप ही के साथ मान लीजिए कोई बंदा आप ही के बैच का आता है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो काम को सीरियसली ले ही नहीं रहा है और टाल रहा है चीज़ों को, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है किसी भी तरीके से। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितनी सैलरी आपके खाते में आ रही है उतनी सैलरी उसके खाते में भी आएगी, जितना इंक्रीमेंट आपको मिलेगा उतना उसको भी मिलेगा, जितना DNS अलाउंस आपके खाते में आ रहा है उतना उसको भी मिलेगा। तो भाई मॉनेटरी टर्म्स में तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा ज़्यादा काम करने से, और इसके अलावा दूसरा आपको और क्या बेनिफिट मिल सकता है, प्रमोशन, जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। प्रमोशन जो होता है वो ज़्यादातर चीज़ डिपेंड करेगा आपके रैंक के ऊपर, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम में जितनी रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग प्रमोशंस होते हैं। आपकी जो बंदा आपके साथ वाला है, भले वो काम ना कर रहा हो, लेकिन उसने SSC में आपसे अच्छी रैंक लगाई है, तो प्रमोशन उसका ही पहले होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आप बिना स्किल के भी सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करो किसी प्राइवेट कंपनी से, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी के ऑफिस में जाके 1 महीना आराम कर लो, काम मत करो, तो वो आपको अगले दिन बाहर निकाल देगा, वो आपको रखेगा ही क्यों अगर उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, आपने एग्ज़ाम में क्लियर कर दी है, एग्ज़ाम क्लियर कर दी मतलब कि ठप्पा लग चुका है, अब आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता आसानी से। तो भले ही आपने एफिशिएंसी से आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आराम ही करना है, बिल्कुल आराम ही होता है ऐसा नहीं है, काम भी होता है और बहुत काम होता है गवर्नमेंट में, बट अगर प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है।
पर सरकार भी बहुत काम करती है। बट अगर आपने आपको अपनी एफिशिएंसी आपकी इतनी नहीं है शुरू में, या किसी कारण से आप मान लीजिए काम नहीं कर पा रहे, कोई भी इशू आपके साथ में है, तो उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आराम से चल जाएगा। ये आपको प्राइवेट सेक्टर में सुविधा नहीं मिलने वाली है। कोई प्राइवेट जॉब आप करें और मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन आपको बीमारी हो जाती है, आप बहुत लंबे समय तक बेड पर आ जाते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको एज एन एम्प्लॉई एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपको बाहर निकाल देगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, यू कैन सर्वाइव विदाउट एनी स्किल। मतलब कोई स्किल इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मतलब आप हैरान हो जाओगे कि उनको कोई छोटे से छोटा काम ना दे अपने ऑफिस में, वो लोग ऐसे ऐसे ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं और लाखों में सैलरी उठा रहे हैं गवर्नमेंट की, सालों साल की सर्विस हो गई है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको पूरी सर्विस पूरी करनी ही पड़ेगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सही भी है कि आप एफिशिएंसी की वैल्यू होना चाहिए भाई, अगर जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको जल्दी रिवॉर्ड मिले, जो कम मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड ना मिले, ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो होना ही चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो अगर ये आपको सुविधाजनक लगता है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको सुबह उठ के ऑफिस जाना है, आपको जो काम मिले वो करें और वापस पहुँच के घर अपने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 5 बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब के होने के, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया हूँ, मैं जो मैंने अनुभव किया है उससे बता रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इन 5ों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी मेहनत करके अच्छी रैंक लगाओ, जितनी ज़्यादा रैंक लगा सकते हो उतनी ज़्यादा रैंक लगाओ, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कई बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और बार बार कहता रहूँगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप टॉप 100 में रैंक लगाओ ताकि आपको आपकी पसंद की पोस्ट और पसंद की पोस्टिंग मिल जाए। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए gyanchala.com पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।